बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम MCAT AKU टेस्ट का यानी कि सैम्पल टेस्ट 2021 जो है उसका साइंस रीजनिंग का सेक्शन डिस्कस करेंगे, और या गूगल पे सर्च करें तो जो सैम्पल पेपर पड़ा हुआ है उसी के ये दो नौ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पहले लिखी हुई है और फिर उसके बाद इस स्टेटमेंट से रिलेटेड टू क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। इसकी स्टेटमेंट पढ़िएगा। क्वेश्चन 1 और 2 रेफर टू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन के जो है वो रेफरेंस से हमने आंसर देनी है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का। तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन ये है कि अ पेंटोग्राफ इज अ 4-बार लिंकेज मैकेनिज्म यूज फॉर ड्राइंग। ओके, यानी कि एक पेंटोग्राफ है जो कि फिजिक्स में हम यूज़ करते हैं और उसके 4 बार हैं और आपस में लिंक 4 बार आपस में लिंकेज हैं। इस तरह का ये एक मैकानिज़म बना हुआ है। इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 लॉन्ग बार्स, 2 उसके लॉन्ग बार्स हैं एंड 2 शॉर्ट बार्स पिवटेड टू वन एंड अदर सो दैट दे कैन मूव फ्रीली इन अ प्लेन। 2 लॉन्ग बार्स हैं और 2 जो हैं वो शॉर्ट बार्स हैं और वो एक दूसरे के साथ ऐसे पिवट हैं कि पी और आर इनके ये मिड पॉइंट हैं। ओके, और ये एक बड़ी आसानी से मूव हो सकते हैं, यानी कि आप इसको इस तरह से मूव कर सकते हैं। ओके, दे कैन मूव फ्रीली इन अ प्लेन। इन द वर्जन शोन इन फिगर 1 बिलो द शॉर्ट बार्स आर हाफ द लेंथ ऑफ द लॉन्ग वंस। यानी कि ये जो शॉर्ट बार्स हैं ये ओ क्यू और जो वाई क्यू लॉन्ग बार हैं उनका हाफ है, उनकी लेंथ का हाफ है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ का ये हाफ है। इसी तरह एक्स आर भी इस बड़े वाले जो बार है उसका हाफ है, ये बता रहे हो। आगे चलते हैं। द पॉइंट ओ इज हेल्ड फिक्स्ड। पॉइंट ओ जो है ये फिक्स है। देर इज अ पॉइंटर एट एक्स। एक्स पॉइंट पर जो है एक्स जो स्मॉल बार है उसके ऊपर एक पॉइंटर लगा हुआ है। एंड अ पेंसिल एट वाई, और वाई जो लॉन्ग बार है उस पर जो है वो एक पेंसिल लगी हुई है। देर इज अ पॉइंटर एट एक्स एंड अ पेंसिल एट वाई। एज द पॉइंटर एट एक्स इज ट्रेस्ड ओवर अ शेप। पॉइंटर एक्स जो है वो एक शेप के ऊपर ट्रेस करता है। द पेंसिल एट वाई ड्राज द शेप इन लार्ज बाय अ फैक्टर ऑफ 2। और वाई बार जो है उस पर जो पेंसिल लगी हुई है वो एक शेप ड्रा करती है जिसका स्केल फैक्टर 2 है। यानी कि ओ और एक्स के दरमियान अगर 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो एक्स और वाई के दरमियान जो है वो 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा। स्केल फैक्टर जो है वो इसका 2 है। वाई जहाँ पर पेंसिल लगी हुई है वो 2 फैक्टर के हिसाब से दूर जो है वो शेप जो है वो ड्रा करता है। ये तो थी इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की जो है वो इंफॉर्मेशन है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। ये आपके पास लॉन्ग बार ओ क्यू और क्यू वाई, पी एक्स और एक्स आर जो है वो शॉर्ट बार हैं और ये फ्रीली मूव कर सकते हैं ईजीली प्लेन में। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखिएगा। क्वेश्चन 1 क्या पूछ रहे हैं। इन फिगर 1 इफ ओ एंड क्यू आर बोथ हेल्ड फिक्स्ड, ओ और क्यू जो है वो फिक्स हो जाए, द पॉइंट वाई जो है वो क्या करेगा। कैन नॉट मूव, कैन मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ, कैन मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, कैन मूव फ्रीली। अब देखें, ये आपके पास वैसे ही है जिस तरह से आप वो कंपस जो है वो यूज़ करते हैं। ओके, ज्योमेट्री के अंदर के वो इस तरह से आप सर्कल ड्रा करते हैं। यहाँ पर ओ और क्यू जब फिक्स हो जाएगा तो अगर मैं इसको इस तरह से घुमाऊँगा तो जो वाई पर पेंसिल लगी हुई है वो क्या करेगी, वो क्या स्ट्रेट लाइन बनाएगी, क्या वो कैन नॉट मूव। तो आपके ख्याल में क्या कौन सी ऑप्शन हो सकती है, सोचें जरा भाई। उन्होंने शुरू में बोला हुआ है कि ये मूव फ्रीली, तो ये सर्कल की तरह जो है वो मूव करेगा। तो उन्होंने वाई का पूछा है कि द पॉइंट वाई क्या बनाएगा, तो
तो कौन सी ऑप्शन जो है वो आपके जहन में आ रही है? कैन नॉट मूव वाली ऑप्शन तो नहीं हो सकती। कैन मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, नो स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगी। कैन मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ, बिल्कुल बीटा ऑप्शन जो है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन है। ये जो है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर सकता है, जो पेंसिल जो वाई पर वाई बार के ऊपर लगी हुई है, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो बीटा है। बीटा ऑप्शन जो है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन है। कैन मूव फ्रीली, ये तो अंडरस्टूड है कि वो कैन मूव फ्रीली, लेकिन उससे शेप कौन सी बन रही है? वो शेप उसने ड्रा करनी, द पेंसिल एट वाई ड्राज द शेप। अब बाद बच्चों के जहन में शायद डेल्टा ऑप्शन भी आए, तो उन्होंने स्टेटमेंट में बोला हुआ है कि पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई जो है इसके ऊपर पॉइंटर है, इसके ऊपर पेंसिल है, ये मूव फ्रीली हो रहे हैं, तो शायद डेल्टा ऑप्शन भी बाद बच्चे टिक करें, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पास बीटा ऑप्शन जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो बीटा है, बल्कि कह लें करेक्ट ऑप्शन ही ये है कि कैन मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ, वो एक सर्कुलर पाथ में जो है वो मूव करेंगी। क्वेश्चन नंबर वन की आपको समझ आ रही है? अब चलते हैं क्वेश्चन टू पर। क्वेश्चन टू में वो क्या पूछ रहे हैं? सेलेक्ट द आंसर फ्रॉम द डायग्राम्स लेबल्ड ए टू डी इन फिगर टू। ये फिगर टू में चार डायग्राम्स बनी हुई हैं और उन्होंने यही बेसिकली चार ऑप्शन हैं, इन्हीं में से हमने डायग्राम चूज करनी है कि कौन सी एक्यूरेट डायग्राम बनी हुई है। उसके बाद इन डायग्राम्स के नीचे करके एक स्टेटमेंट लिखी हुई थी, वो जगह कम थी तो वो मैंने यहाँ पे ब्लू राइटिंग में लिख दिया। आप जब सैंपल पेपर देखेंगे, अगर किसी को लिंक की ज़रूरत भी पड़े, बल्कि मैं लिंक जो है वो उसमें शेयर कर दूंगा आपके जो है ना डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ था द साइज ऑफ द ड्राइंग पेस्ट आउट बाय द पेंसिल डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव लेंथ ऑफ द बार्स इन द पेंटोग्राफ। वो कहते हैं कि ये जो शेप है इसका जो साइज है, साइज ऑफ ड्राइंग, वो पेंसिल पर डिपेंड करता है, बाय द पेंसिल डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव लेंथ ऑफ द बार्स इन द पेंटोग्राफ। ओके, उनकी रिलेटिव लेंथ पर, लेंथ ऑफ बार्स पर डिपेंड करता है, ओके, इन द पेंटोग्राफ। अच्छा, अब आप देखें तो इसमें ए है, ये लॉन्ग बार है और ये शॉर्ट बार है, और एक्स जो है वो तकरीबन मिडल से थोड़ा सा इधर है। इसी तरह यहाँ पर लॉन्ग बार है ओ बी और बी वाई, और जो एक्स है वो वाई के करीब है, एक्स पर जो पॉइंटर है वो वाई के बिल्कुल करीब है। यहाँ पर आप देखें सी जो डायग्राम है उसमें जो एक्स है वो वाई के ज़्यादा करीब नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इधर हट के और मिडल से थोड़ा इधर है। लेकिन डी जो डायग्राम है उसमें शॉर्ट बार एक्स ओ के करीब है, और वाई जो बार वाई बार है लॉन्ग बार जिस पर पेंसिल लगी हुई है वो थोड़ा दूर है। अब देखें विच ऑफ द पूछा गया, विच ऑफ द पेंटाग्राफ्स, विच ऑफ द पेंटोग्राफ्स इन फिगर टू विल प्रोड्यूस द बिगेस्ट इनलार्जमेंट ऑफ द ओरिजिनल शेप। ओके, यानी कि कौन सी जो डायग्राम है, जो फिगर टू में कौन सा पेंटोग्राफ है जो के बिगेस्ट इनलार्जमेंट बनाएगा ऑफ द ओरिजिनल शेप। अब देखें, अब शुरू में उन्होंने बोला हुआ है कि जो बार वाई है वो स्केल फैक्टर टू के हिसाब से शेप ड्रा करता है। अब यहाँ पर आप कुछ सोचें कौन सी ऑप्शन हो सकती है। इसमें जो शॉर्ट बार है वो जितना ओ के करीब होगा उतना जो है वाई उस हिसाब से जो है ना दूर बनेगा, और वो बिगेस्ट जो है वो शेप बनाएगी, इनलार्जमेंट बनेगी। बात फॉलो कर रहे हैं आप? ओके, तो अब यहाँ पे जो डेल्टा ऑप्शन है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन है। डेल्टा ऑप्शन जो है बेटा इसकी करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें एक्स जो है वो ओ के बिल्कुल करीब है, और इसीलिए यहाँ पे बिगेस्ट जो है वो इनलार्जमेंट बनेगी, तो डेल्टा ऑप्शन जो है बेटा इसकी करेक्ट ऑप्शन है। ओके, इन दोनों क्वेश्चंस को साइंस रीजनिंग का जो टॉपिक है इसको बेटा पढ़िएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम होती है आप पूछ सकते हैं। ओके, मैं कोशिश करूंगा कि टेस्ट से पहले इंशाल्लाह इस पर एक दो वीडियोस और भी मैं आपके साथ शेयर करूं, और बाकी मेहनत करें, अल्लाह आपको कामयाब करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए डायनोर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।